देवभूमि हिमाचल में मतदान के तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव के लिए इस बार रिकॉर्ड 71.42% मतदान कर इतिहास रच दिया है। देवभूमि हिमाचल में मतदान के तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव के लिए इस बार रिकॉर्ड 71.42% मतदान कर इतिहास रच दिया है। आपको बता दें कि ये अब तक सबसे ज्यादा मतदान है। इससे पहले 1998 के लोकसभा चुनाव में ही 65.32% मतदान का सर्वाधिक रिकॉर्ड था। समुद्र तल से 15,256 फीट की ऊंचाई पर विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टशीगंग में शून्य तापमान के बीच सुबह ही मतदान के लिए कतारें लग गई थी। आखिरी सातवें चरण में हुए मतदान में हिमाचल के लोकसभा चुनाव के मतदान के साथ ही 45 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है, जिस पर फैसला 23 मई को होना है। सरकार जो सभी मतलब जो गरीब आदमी हैं, जिनको उनका हक नहीं मिलता है और देश का विकास करे, उसी तरीके की सरकार देश में चाहिए। एक तो जो लोकतंत्र के इस महापर्व में हमें एक स्थायी सरकार चाहिए, और जो सरकार जो है लोगों के हित के लिए काम करे और धर्म जाति इत्यादि पे किसी चीज़ पे वो ना जाए, और देश का जो है ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश जो है उसकी और ज़्यादा ऊंचाइयों पर जाए। जी डेफिनेटली मजबूत सरकार चाहते हैं हम लोग, एक ना, और जो देश का विकास करे, और दैट्स ऑल आई थिंक। थैंक यू जी। राज्य के ऊना जिले में रिकॉर्ड 75.88% मतदान हुआ। लाहौल स्पीति जिले में सबसे कम 61.79% मतदान हुआ। प्रदेश में सुबह से ही हर उम्र के लोगों में मतदान के लिए खासा उत्साह देखा गया। 100 से ज्यादा उम्र के सैकड़ों बुजुर्गों के अलावा फर्स्ट वोटर महिलाओं पुरुषों में उत्साह देखा गया। कुल्लू सिरमौर और कांगड़ा में सात फेरे लेने से पहले सेरा बांधकर दूल्हे वोट डालने पहुंचे। एक दुल्हन भी मत डालने पहुंची। बुजुर्गों और अपंगों को पीठ कुर्सियों और पालकियों पर लाया गया। कई मतदाता 10 किलोमीटर तक पैदल चलकर पोलिंग बूथों तक पहुंचे। आपको बता दें कि ऊना जिले में 75.88% मतदान हुआ। सोलन में 75.80, कुल्लू में 75.06, सिरमौर में 74.72, बिलासपुर में 73.94, मंडी में 73.06, किन्नौर में 71.04, हमीरपुर में 71.42, कांगड़ा में 70.50, शिमला में 68.63, चंबा में 68.87, लाहौल स्पीति में 61.79% मतदान देखने को मिला है। मतदान के दौरान दर्जनों ईवीएम ने दगा भी दे दिया। मंडी, ऊना, कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर आदि जिलों के कई क्षेत्रों में ईवीएम और वीवीपैट मशीनें खराब होने से मतदान देरी से शुरू हुआ। शाम 5 बजे के बाद लाहौल की ऊंची चोटियों के साथ खंजर, योचे, डिम्फुक और रारिक मतदान केंद्रों में हल्की बर्फबारी के बीच मतदान हुआ। बिलासपुर में ईवीएम को समय से पहले खोलने पर 4 सरकारी कर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये 17वीं लोकसभा का जो आज आखिरी चरण, 7वां चरण जो है, उसके लिए मतदान हो रहा है, और जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में मैं कहूँगा कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जो है मतदान हुआ है, हमारे चुनाव से संबंधित सभी कर्मचारी अधिकारियों को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से यहाँ का प्रबंध किया है और जिस तरह से सुचारू रूप से इसको चलाया है, वो अपने आप में बहुत ही अच्छा है। और हिमाचल प्रदेश तो शांति का जो है वो देवता माना जाता है। मैं समझता हूँ कि आज जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज हम इस देश के प्रधानमंत्री का जो है वो चयन कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि हम अपना सांसद चुन रहे हैं, परंतु जिस तरह का आज वातावरण सारे देश में बना है, और श्री नरेंद्र मोदी जी को इस देश की जनता जो है वो पुनः दिल्ली की गद्दी पर जो है फिर पुनः प्रचंड बहुमत के साथ जो है
दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहता है। मैं आज इस आखिरी जो हमारा चरण है, मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और साथ ही शिमला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो हमारे पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं श्री सुरेश कश्यप जी, जो पिछाद निर्वाचन क्षेत्र से हमारे दो बार के विधायक हैं, उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। और यही माँ सलोनी से आशीर्वाद उनके लिए मांगता हूं कि पिछली बार हमको 85,000 से ज़्यादा लीड मुझे यहां से मिली थी, इस बार जो है हम उससे कहीं ज़्यादा जो है लीड जो है वो सुरेश कश्यप जी को दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम कर रहा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ फिर पुनः अपने सभी मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना। आपको बता दें कि 1.5 साल पहले विधानसभा चुनाव के 9 नवंबर 2017 को हुए पिछले मतदान में भी मतदान के सभी रिकॉर्ड टूट गए थे। इस चुनाव में 74.60% मतदान हुआ था। इससे पहले वर्ष 2003 में ही विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक 74.51% वोट पड़े थे। प्रदेश भर में मतदान से पूर्व सैकड़ों ईवीएम धोखा दी गई। मंडी, चंबा, ऊना, सिरमौर, कांगड़ा, बिलासपुर, कुल्लू आदि जिलों में बड़ी संख्या में ईवीएम खराब हुई। जिला मंडी में मतदान से पूर्व 85 वोटिंग मशीनें दगा दी गई। मतदान शुरू होने से पहले जैसे ही पोलिंग बूथों में मशीनों की टेस्टिंग के लिए मॉक पोल होने लगा तो 30 बैलेट यूनिट, 12 सेंटर यूनिट और 34 वीवीपैट मशीनें खराब मिली। 4 बैलेट यूनिट, 1 सेंटर यूनिट खराब निकली। जोगिंदर नगर के सैनिक सदन मंडी मंगवाई गई। भ्यूली में वीवीपैट का पेपर खत्म हो गया। नेरचौक के रत्ती डेंगू, नाचन के पलाहोटा में भी मशीनें खराब हुई। ऊना जिले में ईवीएम और वीवीपैट मशीन खराब होने से संतोषगढ़ और ऊना के वार्ड 6 में मतदान केंद्र में मतदान देरी से हुआ। संतोषगढ़ के बूथ नंबर 92 में वीवीपैट मशीन खराब होने से करीब सुबह के 8 बजे तक मतदान प्रक्रिया शुरू की गई। चंबा में आधा दर्जन पोलिंग बूथों में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों में खराबी आई। स्टैंड बाई ईवीएम लाकर मतदान शुरू हो पाया। सुल्तानपुर बूथ नंबर 42 में मशीन की खराबी के चलते 45 मिनट के लिए मतदान नहीं हो सका। सुंगल में 1 घंटे तक मशीन खराब रही। जनसाली पोलिंग बूथ में भी सुबह के समय 15 मिनट कोटी के प्रियुंगल चौंतरा में मशीन सही न होने से 10 से 15 मिनट के लिए मतदान प्रक्रिया बाधित हुई। डलहौजी के भरेरा पोलिंग बूथ में आधा घंटे तक ईवीएम खराब होने से मतदान में थोड़ी बाधा आई। दड़ोक बाड़ में ईवीएम बार बार खराब होती रही। किहार सेक्टर के पोलिंग बूथ लंगेरा 1 में सिग्नल की समस्या के चलते दोपहर बाद ही वोटिंग शुरू हो सकी। सिरमौर जिले के कई इलाकों में ईवीएम मशीनों में तकनीकी खराबी आने के कारण देरी से मतदान हुआ। कहीं 1 घंटा तो कहीं 3 घंटा देरी से वोट डाले जा सके। नगरोटा बागवा विधानसभा क्षेत्र के समलोटी मतदान केंद्र 72 में 7 बजे पहले वोट के समय ही ईवीएम जवाब दे गई, फिर दूसरी मशीन लाई गई और उसने भी जवाब दे दिया। 9 बजे तक जब मशीन दुरुस्त हुई तब तक काफी मतदाता मतदान केंद्र से वापस जा चुके थे। गुगलाहड़ 69 में भी ईवीएम मशीन खराब होने से मतदाताओं को ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा। 8:10 पर मतदान शुरू हो सका। भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर के घर से करीब 50 किलोमीटर पर बने दाड़नो मतदान केंद्र में रविवार को करीब 1 घंटा देरी से मतदान शुरू हुआ। इसके बाद लाई गई दूसरी ईवीएम भी खराब निकली। इस केंद्र में मतदान करीब 1 घंटे बाद शुरू हुआ। जिला कुल्लू में करीब 1 दर्जन पोलिंग बूथों पर ईवीएम में तकनीकी खराब से मतदाताओं को परेशान होना पड़ा है। उड़सू पोलिंग बूथ पर 4:15 बजे तक दूसरी ईवीएम मशीन का इंतजार करना पड़ा। नगर के जाण, कहुधार 1 और 2, ढालपुर, शराई, दारण में 1 से 1.5 घंटा देरी से मतदान हुआ। बिलासपुर जिले में कुछ पोलिंग बूथों पर मशीनें खराब होने पर दूसरी ईवीएम मशीन लगाकर सुचारू रूप से मतदान करवाया गया। बैलकंडेला में मशीन खराब होने की सूचना मिली। पहचान पत्रों के बिना मतदान केंद्र में पहुंचे कई लोग वोट नहीं डाल सके। चुनाव आयोग की ओर से दी गई मतदाता पर्ची को ही पहचान पत्र के तौर पर दिखाने को लेकर कई मतदान केंद्रों में मतदाताओं की चुनाव अधिकारियों के साथ बहसबाजी भी हुई। हमीरपुर चंबा जिला के अलावा राजधानी शिमला में भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं। जिला हमीरपुर के भोरंज उपमंडल के भोरंज की
90 वर्षीय ब्यासा देवी अकेली रहती है। बुजुर्ग महिला करीब आधा किलोमीटर दूर से वोट डालने के लिए बूथ तक आई, लेकिन वृद्ध को ये कहकर वापस भेज दिया गया कि पहचान पत्र लाओ। इसके बाद वृद्ध महिला वोट नहीं डालने की बात कहकर लौट गई। जिला चंबा में भी इस तरह के मामले सामने आए। राजधानी शिमला के संजौली, पांचड़ी, न्यू शिमला, महली सहित कई क्षेत्रों में मतदाता पर्ची और पहचान पत्र को लेकर मतदाताओं में भ्रम बना रहा। सोलन के बसाल पोलिंग बूथ नंबर 3 में पहचान पत्र न होने से कुछ समय के लिए हंगामा हो गया। इस कारण यहां पर करीब आधा घंटा मतदान बंद रहा। इससे अन्य लोगों को भी खासी परेशानी झेलनी पड़ी। इसकी सूचना SDM सोलन को दी गई। उन्होंने मौके पर तहसीलदार को भेजकर लोगों को शांत करवाया। बसाल क्षेत्र के कुछ लोग पंचायत की ओर से जारी मतदान पर्ची को लेकर अपना मतदान करने के लिए बसाल के 3 नंबर बूथ पर पहुंच गए। इसके अलावा उनके पास कोई दस्तावेज नहीं था। सिरमौर में कई मतदाता मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाए। कई मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब पाए गए, जबकि कई लोगों को पहचान पत्र नहीं दिखाने पर वोट डालने नहीं दिया गया। हालांकि उनके पास फोटो युक्त मतदाता स्लिप थी। शिलाई, स्तौन, पौंटा साहिब, राजगढ़ और नाहन के अलावा कई इलाकों में ऐसी स्थिति देखने को मिली। आपको बता दें कि बिलासपुर में भी शराब का ठेका भी बंद किया गया। चुनाव आयोग की दी पर्चियों को लेकर बगैर पहचान पत्र के ही मतदान करने पहुंचे बड़ी संख्या में लोगों को वापस भेज दिया गया और इस कारण वे अपना मतदान नहीं कर पाए। प्रत्याशियों का भविष्य EBM में कैद हो गया है। अब मतगणना 23 मई को सुबह 8 बजे से 18 मतगणना केंद्रों के 72 काउंटिंग हॉलों में होगी। कांगड़ा संसदीय सीट की मतगणना कड़ी सुरक्षा में चंबा के मिलेनियम पॉलिटेक्निक कॉलेज, RA डिग्री कॉलेज नूरपुर, डिग्री कॉलेज ज्वालामुखी, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज धर्मशाला और शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा डिग्री कॉलेज पालमपुर में होगी। मंडी सीट की मतगणना सीनियर सेकेंडरी स्कूल केलोंग, डिग्री कॉलेज कुल्लू, PG कॉलेज मंडी, जवाहरलाल इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर, राजीव गांधी डिग्री कॉलेज जोगिंद्रनगर, सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुर और बचत भवन रिकॉन्पियो में होगी। हमीरपुर संसदीय सीट की मतगणना सीनियर सेकेंडरी स्कूल छात्र हमीरपुर, PG कॉलेज ऊना और PG कॉलेज बिलासपुर में होगी। शिमला संसदीय सीट की मतगणना PG कॉलेज सोलन, डॉक्टर YS परमार, PG कॉलेज नाहन और डिग्री कॉलेज धामी में होगी। आज मैंने अभी मतदान कर दिया है। देखना क्या जो कैंडिडेट होता है वो अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए वोट डालता है। और ऐसा आपको पता है कि मैं 43 दिन जब से टिकट मुझे मिली थी, 3 तारीख को अनाउंस हुई थी और हमने 7 तारीख को शुरू किया था। तो हमने 43 दिनों में 250 नुक्कड़ जनसभाएं की और जहां तक लोगों का जो विश्वास मिला, लोगों का जो समर्थन मिला, स्वाभाविक है जब हम 23 तारीख को ये जो रिजल्ट निकलेगा कांग्रेस पार्टी के हक में होगा। काजल जी, अगर आप कैंडिडेट यहां से बनते हैं तो आपकी कांगड़ा चंबा लोकसभा की 3 प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? आपको मैंने पहले भी कहा कि जैसे भारतीय जनता पार्टी वालों ने पहले जो जुमले दिखाए, एक तो मैं जुमले नहीं दिखाऊंगा, है ना, मैं वादे नहीं इरादे लेके आया। तो उन्होंने जो बड़े बड़े जुमले दिखाए थे, चाहे ब्रॉडगेज करने की, रेलवे ट्रैक खोज की थी, चंबा में सीमेंट प्लांट की थी और भी कई कई जो वादे किए थे, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं युवा होने के नाते राहुल गांधी जी ने मुझ पर विश्वास किया, मुझे प्रत्याशी बनाया, कांग्रेस हाईकमान के प्रदेश के सभी लीडरों ने। तो सबसे पहले राहुल गांधी जी अगर प्रधानमंत्री बनते और कांग्रेस की सरकार बनती है, सबसे पहले जो मेरा होगा वो युवाओं के लिए रोजगार की आवाज़ बुलंद करूँगा। मतलब यहाँ पे कोई बड़ा उद्योग लगाने की कोशिश करूँगा, जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे हमारे जो बेरोजगार युवा हैं, हमारे बच्चे यहाँ से चंडीगढ़ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मतलब बाहर नौकरियाँ करते हैं। तो हम भविष्य में अगर सरकार हमारी बनती है तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता जो होगी बड़ा उद्योग लगाने की होगी। मतदाताओं के उत्साह को किस तरह देखते हैं आप? मतदाताओं का उत्साह बिल्कुल ठीक है, आप देख रहे हैं ये जो सारे हैं मतदाता ही हैं। और दूसरा, मैं इलेक्शन कमीशन का भी धन्यवाद करता हूँ कि बड़े शांति बनाई रखी है, जनता ने भी शांति बनाई रखी है। आप देख रहे हैं किस तरह से, जो भी जहाँ भी मैं सुबह से जिस पोलिंग स्टेशन में गया हूँ, बड़ी शांतिपूर्वक जो है चुनाव हो रहा है और जनता का सहयोग भी है और इलेक्शन कमीशन का सहयोग भी मैंने देखा। ये अच्छी बात है लोकतंत्र की मजबूती के लिए,
लोकतंत्र की मजबूती के लिए अच्छी बात है, होना भी चाहिए। पवन काजल जी, जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? मैं तो आपके पहले भी बोल चुका हूँ, मैं देवन से मैंने जब जिस दिन मुझे टिकट मिला था मैंने कहा था आपको कि 1 लाख वोटों से मैं जीतूंगा, और मैंने कहा भी है 1 लाख तो 1 लाख, जब से मैंने शुरुआत भी की थी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।